जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और मंदुरी एयरपोर्ट का लोकार्पण किए। इसके साथ ही 8 राज्यों की कुल 34,676.29 करोड़ रुपए की 782 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और कहा कि परिवारवादी मुझे कोस रही है, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। आज आजमगढ़ से पूरा देश जुड़ा है। आजमगढ़ को पिछड़ा गिना जाता है, वहीं आजमगढ़ इतिहास रच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए जिसमें भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, ब्लॉक प्रमुख अनुराग उर्फ सोनू सिंह, सुभाजपा प्रदेश सलाहकार जसवंत उर्फ शिवली सिंह, प्रदेश प्रमुख महासचिव सुगंध सिंह, प्रदेश महासचिव अकील चौरसिया, भाजपा जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंद्रेश चौहान, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह, प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान विदेशी राजभर मुन्ना यादव, जिला उपाध्यक्ष जनार्दन राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष सोनू राजभर, राष्ट्रीय सचिव शकुंतला राजभर, महिला मंच गीता गिरी, जिला महासचिव पूजा सरोजा और भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। पहुँचे हवाई अड्डे पर, क्या कहेंगे? पहले तो हम अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं कि जिस रुतबा और रुआब से आए हैं और उस हिसाब से हमको ये लग रहा है कि हमारी दोनों की दोनों सीट जो है करीब 1,00,000 वोट से जीत जाएंगे। यहाँ पे काफी जनता यहाँ पे पहुँची है, क्या कहेंगे जनता? इतना भव्य, कम से कम 1.5 लाख जनता है। ये जनता बता रही है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट निकाले जाएगी। ओम प्रकाश राजभर इस बार मंत्री हो गए, फिर से एक बार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हुए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको धन्यवाद है, आने वाला कल SSC बन के उभरे और गरीबों मजलूमों की लड़ाई जैसे लड़ रहे हैं उसी प्रकार से लड़े। मैं अपने सभी भाइयों को, जनता को ये कहना चाहता हूँ कि SSC प्रधानमंत्री, SSC मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा, उस विकास में भारी से भारी संख्या में जुट के वोटिंग करें और मोदी SSC प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ाएं। मोदी जी को लेकर के जनता में बहुत उत्साह है। मोदी जी ने देश को इतना सम्मान दिया है। आज उनकी जनसभा है मधुरी एयरपोर्ट के बगल में आजमगढ़। जनता देखिए, छूट करके जनता जा रही है। बहुत बढ़िया काम, बहुत सराहनीय काम हो रहा है और मोदी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर भी इसमें शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे उनको? ओम प्रकाश राजभर जी अपने पूरे राजभर समाज को लेकर के, अपने पूरे जन आधार को लेकर के भाजपा आ गए हैं। अब की बार 400 पार हुए, धन्य हम ऐसा सर जो आया, चरण रज आपका मैंने जो पाया। हंसी खिल उठे उपवन के सारी कलियां, हंसी खिल उठे उपवन के सारी कलियां, महके उठी सारी गली, गीता है जैसे कोई ऋतु राज आया, चरण रज आपका मैंने जो पाया। आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। पहली बार नहीं हो, एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो आजमगढ़ के सब आदमी कहा रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हम यहाँ 2.5 घंटा में आ जाओ। अब तक आजमगढ़ में अपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गया।
एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाकर जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना।